हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रहा हूँ कोयम्बतूर। अभी मैं हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो यशवंतपुर मेट्रो स्टेशन है, और ये है यशवंतपुर का रेलवे स्टेशन। तो अभी हमारा टाइम हो गया है 11:30 में हमारी ट्रेन है, तो जल्दी से जाना है। तो मैं और मेरे दोस्त कहाँ रह गए? अबे दर्शन भाई, हमारी ट्रेन 6 पे है और हम लोग अभी 1 पे हैं। मेरा दोस्त भी ब्लॉगिंग कर रहा है, लेकिन वो फ़ोन से कर रहा है उधर। और ये देखो भाई, अभी ये नीचे एक ट्रेन लगी है, वो यशवंतपुर लखनऊ। मतलब कि यहाँ पे मैं जब भी आता हूँ और देखता हूँ अपने यहाँ का ट्रेन, जैसे कि लखनऊ का हो गया, पटना का हो गया, या फिर कहीं का भी अपने तरफ नॉर्थ इंडिया का, तो लगता है यार घर जाऊँ आराम से। पिछली बार जब मैं आया था तो बहुत चेंज था ये, अभी पूरा चेंज कर दिया। हालांकि मैं आया भी था 1-2 साल पहले। पीछे से चल, तू ऐसे कर, मैं ऐसे करता हूँ। बस फर्क ये है, मैं हिंदी में कर रहा हूँ, कन्नाडा में कर रहा है। आजा भाई, हो गया बस। ठीक है भाई, अब ट्रेन को आने दो, फिर से वीडियो बनाऊंगा। जो उधर है इधर है, इधर है। नन्न नोड़ सरपा मे इसका सीट S3 में है, मेरा S7 में। बाकी इसके सीट पे आके बैठा हूँ। सो गाइस, अभी हमारी ट्रेन चल चुकी है और थोड़ा थोड़ा आवाज़ तो सुनाई दे रहा होगा, बाहर तो दिखा नहीं सकता। और हम लोग खाना वाना खा लिए, ये मेरा दोस्त, अब मिलते हैं कल आराम से। ये माइक है भाई। मिलते हैं कल आराम से सीधे एक ही बार कोयम्बतूर को। ये है कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन और शायद यहीं से हमको बस मिलेगी, देख लो। सो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन से उतर के। ये है रेलवे स्टेशन, वो पीछे वाला। और होटल में जाके फ्रेश अप हो के खाना खा के, और अब जो है बस लेके और फिर से चले जाना है हमको। आधी होगी लेकिन बस नंबर 14D, कितना किलोमीटर ये नहीं पता, लेकिन देखते हैं जाके वहाँ पे। ठीक है, तो अभी तो बोल रहे कि इधर से ही मिल जाएगा। सो गाइस, फाइनली अब मैं आ चुका हूँ ईसा फाउंडेशन, और मेरे पीछे वो जो दिख रहा है वहाँ पे एंट्री होता है और वहाँ से चल के आना होता है। तो ऐसे चल के और फिर देखो कितना दूर जाना होता है। ठीक है, थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। और मैं यहाँ लगभग 2 साल के बाद आया हूँ, तो मुझे तो बहुत सारा चेंजेस लग रहा है, क्योंकि तब थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अभी भी चल रहा है, क्योंकि 8 तारीख को महाशिवरात्रि है, तो यहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और मतलब मुझे तो बहुत चेंजेस लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, एकदम लग रहा है कि हाँ ईशा फाउंडेशन पूरा टोटली चेंज हो गया है वैसे टाइप का। कुछ बोल, क्या बोलो भाई। अभी हम लोग बैठे हैं प्लेन पे और बहुत ज़्यादा कड़कती धूप में हमारे पसीना निकल गए। सो गाइस, फाइनली मैं आ गया हूँ आदि योगी। मेरे पीछे इधर ये लोकेशन देख सकते हैं, पहाड़ माउंटेन से सभी दिखता है इधर से, और उस साइड भी है मूर्ति के पीछे, जो कि आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए पूरा लाइट्स कितना सारा लगा है, ये सभी के सभी महाशिवरात्रि के लिए लगा है।
थोड़ा और पास जाना पड़ेगा तब और अच्छे से दिखेगा, आई थिंक दिख ही रहा होगा। और ये सबसे अच्छा मुझे पता क्या लगा, ये देखो माउंटेन्स, कितना अच्छा व्यू है यार। ये ला के हमें ही ना खोल दे। दर्शन इधर दे। सेवन फिफ्टीन तक स्टार्ट होता है, ठीक है, तो अभी टाइम हो गया, उसके बाद से लाइट शो स्टार्ट होगा और फिर यहाँ पे पूरा अच्छे से वीडियो लगाऊंगा, देखना बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। तो गाइज अभी हमारा लाइट शो खत्म हो गया, जो कि बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, देखने में मजा भी आता है यार। और बहुत सारे लोग थे जब हो रहा था तभी, अभी देखो सब लोग बस पकड़ने जा रहे हैं और यहाँ से वो लोग चले जाएंगे अपने अपने घर के। और देख लो अभी भी थोड़ा थोड़ा अपनों दिख रहा होगा। अब यहाँ से हम लोग रेलवे स्टेशन जाएंगे, रेलवे स्टेशन से घर चले जाएंगे, मैंगलोर चले जाएंगे या फिर देखेंगे वहाँ जाए, ठीक है, ओके।